हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी फोल्डर फाइल आइकन को सिंगल माउस क्लिक से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप मेरे सिस्टम में देख रहे हैं कि ये कोई भी फोल्डर है, दिस पीसी, मैंने एक ही बार क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। ठीक है, ये फोल्डर एक ही बार क्लिक किया तो ओपन हो गया। आप क्या करते हो, दो बार क्लिक करते हो तब ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि एक ही बार क्लिक करने से ओपन हो जाए, ठीक है, या फिर आपके सिस्टम में गलती से ऐसी कुछ सेटिंग हो गई है, आप देख रहे हो कि एक ही बार क्लिक करते हो फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है, आप इसको रिमूव करना चाहते हो, तो कैसे आप इसको सिंगल क्लिक को इनेबल कर सकते हो या फिर डबल क्लिक को इनेबल कर सकते हो, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है दिस पीसी। ठीक है, दिस पीसी पे आप जाओगे और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू। व्यू पे जाके आप क्या करोगे, ऑप्शंस वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, ये ऑप्शन आएगा, विंडो 10 है तो यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है, व्यू पे ऑप्शंस में। ठीक है, अगर विंडो 7 यूज़ करते हो तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज का ऑप्शन आता है, ठीक है, उसमें ऑप्शन मिलेगा, बट अगर विंडो 8 विंडो 10 है तो व्यूज में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाना, चेंज फोल्डर इन सर्च ऑप्शन में जाना। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे टिक लगाया सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम। ठीक है, मुझे सिंगल क्लिक नहीं चाहिए। अगर किसी के सिस्टम में गलती से ऐसा कहीं से सेटिंग हो जाता है, किसी ने कर दिया या कुछ हो गया, ठीक है, आपका सिंगल क्लिक में हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, सिंगल क्लिक की आपको आदत नहीं है, आप दो बार क्लिक करते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, वापस इसको डबल क्लिक कर दो। ठीक है, और सिंगल क्लिक में करना है तो जैसा कि अभी मेरे सिस्टम में हो रहा था, मैंने वापस इसको डबल क्लिक कर दिया, ओके किया, तो अब आप देखोगे अंडरलाइन अंडरलाइन नहीं आ रही है, पहले एक अंडरलाइन आ रही थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये डबल क्लिक करना पड़ेगा मुझे, एक क्लिक से कुछ नहीं हुआ, मैंने एक बार क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, सेलेक्ट हुआ बस, दो बार क्लिक किया तो ओपन हुआ। और अगर मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ वापस व्यू पे ऑप्शंस पे और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये अंडरलाइन आपको कंटिन्यूअसली रखना है या नहीं, माउस ले जाने पे रखना है, तो ये आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसको अप्लाई किया, ओके किया, तो अब यहाँ माउस लेके जाऊंगा तो अलग ही आपको एक सिंगल लाइन दिखेगी। ठीक है, अब ये नहीं रखना है आपको, ठीक है, आपको इस तरीके की सिंगल लाइन नहीं देना है। तो आप क्या कीजिए, वापस जाइए, आपको सिंगल क्लिक पे स्टार्ट नहीं करना है, तो फिर वापस आप उसको डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी, सिंगल क्लिक डबल क्लिक। ठीक है, कुछ लोगों के सिस्टम में गलती से ये हो जाता है सिंगल क्लिक, तो वो उनको प्रॉब्लम आती है, तो उसको डबल क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। और कुछ लोगों को अगर चाहते हैं कि सिंगल क्लिक पे करना है फोल्डर को ओपन, फाइल को ओपन, तो वो इसको इनेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय फॉर नाउ।